ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ माधवाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ माधवाय नमः। अभी आप वेणी माधव मंदिर का 3D मानचित्र जो सैटेलाइट से लिया गया है वो आप देख पा रहे हैं। आप इसका अवलोकन करिए, उसके बाद हम आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन से वेणी माधव मंदिर जाने के मार्ग को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे वेणी माधव के बारे में, उनके एक-एक गुणों के बारे में, उनके उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा जो भी मुझे ज्ञान है या जो भी मुझे कहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे वेणी माधव का महिमा अपार है, वेद भी उनके महिमा को बखान करने में अक्षम पाते हैं अपने को, मेरी क्या विसात है। फिर भी जो भी हमसे बन सकता है हम वेणी माधव जी के बारे में बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो आइए, ये सैटेलाइट से लिया गया वेणी माधव जी का चित्र है और ये गंगा यमुना सरस्वती का संगम पॉइंट है। और इसके बाद ये देखिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आप कैसे कैसे किन किन चौराहों से होके वेणी माधव तक जाएंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से वेणी माधव मंदिर लगभग लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस तरह से आप ये नीली रेखा जो देख पा रहे हैं यही आपके वेणी माधव का अप्रोच मार्ग है। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से सीधे ऑटो और टेम्पो द्वारा, पर हेड द्वारा भी आप वेणी माधव मंदिर तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम माधवाय नमः। ओम जयति द्वादश माधव अनादि प्रयागेश्वर नमो नमः। भरद्वाज मुनि से आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास काल बिताने के लिए चित्रकूट जाने के लिए जब आगे बढ़े तो संगम स्नान यहीं पर किया उन्होंने। और अब आइए इस तीर्थ की महिमा आपको बताते हैं। सृष्टिकर्ता यानी कि भगवान विष्णु ने जब प्रलय के बाद पृथ्वी का उद्धार किया तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने यहीं पर प्रयाग में प्रथम यज्ञ किया था। पुराणों के अनुसार प्रयाग से ही सभी तीर्थों की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इसे तीर्थों का राजा तीर्थराज कहा गया है। भगवान विष्णु यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजमान हैं। वेणी माधव हमारे प्रयागराज के प्रधान माधव माने जाते हैं, 12 माधव में इनकी प्रधानता है। और जब माता सीता संगम स्नान के बाद प्रधान माधव के मंदिर में दर्शन करने आईं, उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए, तो माँ सीता ने अपनी वेणी चढ़ा दिया। वेणी चढ़ाने के बाद जो प्रधान माधव थे उस समय के बाद से उनका नाम प्रधान माधव की जगह वेणी माधव हो गया। तो एक बहुत बड़ा संबंध माँ सीता और वेणी माधव का है जो हमने अभी आपको बताने का प्रयास किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी ने बालकांड में प्रयाग की महिमा का बखान किया है। चलिए 4 लाइनें वो हम अभी आपको सुनाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता,
परसी अक्षय बटु हर सती गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। आइए नगर के प्रधान देवता वेणी माधव जी के दर्शन को करके माधव सकल काम साधो, माधव सकल काम साधो, माधव सकल काम साधो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने समय में चैतन्य महाप्रभु इस मंदिर में हफ्तों रहे और अपने भगवान हरि नाम संकीर्तन कर इस मंदिर में नृत्य, हमेशा नृत्य की मुद्रा में बने रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी भगवान वेणी माधव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर वृंदावन की ओर आगे बढ़े। तो बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। इस मंदिर के ठीक सामने बीच में एक मार्ग है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं। दोनों मंदिरों का खासियत ये है कि यदि बेनी माधव जी की आरती जब होती है तो सेम उसी समय में भोलेनाथ की भी आरती सामने प्रारंभ कर दी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ और माधव में बातचीत आपस में होती रहती है। ये सामने वही मंदिर है भोलेनाथ का, जहाँ से भगवान भोलेनाथ प्रयाग के इस माधव से निरंतर बात किया करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये भगवान भोलेनाथ और हमारे बेणी माधव जी आमने सामने हैं। और माधव मंदिर के प्रथम तल पर चिंतपूर्णी माता जी का भी मंदिर है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। माँ चिंतपूर्णी की जय। और माँ चिंतपूर्णी के मंदिर के चारों तरफ 12 माधव का एक सिंबॉलिक प्रतिमा बनाई गई है, जिसका दर्शन हम आपको अभी करा रहे हैं। ये केवल सिंबल मात्र है कि 12 माधव, हमारे यहाँ पर मूर्ति उनकी नहीं लगाई गई है। हो सकता है कि भविष्य में यहाँ पर मूर्ति भी लगा दी जाए, लेकिन 12 माधव का अलग अलग मंदिर है जो लगातार हमारी इस सीरीज में चल रहा है। और आप देख भी पा रहे हैं कि 12 माधव एक एक करके हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक 12 के 12 माधव हैं। यदि एक साथ प्रदक्षिणा 12 माधव का नहीं कर पाते हैं तो आप बेणी माधव में आके 12 के 12 माधव के सिंबॉलिक दर्शन करके, और ये मान लीजिए कि आपका ये दर्शन पूर्ण हुआ। जोर से बोलिए। इनका महिमा ये है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव सामने सामने, हाँ, ऐसा देखने कहीं नहीं मिलेगा। शिव विष्णु से बात करते हैं, विष्णु शिव से बात करते हैं, हाँ। और यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं दर्शन करने। देखा है आपने? हाँ, हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ के लोग देखे हैं। अच्छा, लोग भी बताए कि सामने माली बैठा है, इसके घर में तो 500 बार वो दिखाई पड़े। अच्छा अच्छा, हाँ। वो किस रूप में आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, कोई क्या बात है। ओम नमः शिवाय। ओम। यहाँ से आपको नरसिंह भगवान के दरबार में लिए चलते हैं। ये भी बड़ी प्राचीन प्रतिमा भगवान नरसिंह की है, और इस समय आप भगवान नरसिंह की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। ये वेणु माधव मंदिर के ठीक बगल में एक पतली सी गली है, उस गली के अंदर भगवान नरसिंह का ये दिव्य मंदिर है। यदि आते हैं तो ज़रूर दर्शन करिए। अरे नहीं, बताइए जरा नरसिंह भगवान के बारे में। यहाँ के बहुत प्राचीन मंदिर है। कितना पुराना होगा ये? अब हम समझ लीजिए 50 के नियर अबाउट तो हम ही हो रहे हैं। अच्छा, बहुत पहले से चल रहा है। हाँ, इससे पहले। ये कौन सी पीढ़ी आपकी रही जो पूजा कर रहे हैं आप?
अब चौथी मतलब 200 साल तो यही हो गया। तो मतलब स्थापना किया गया है या स्वयंभू प्रतिमा है ये प्राण प्रतिष्ठा है इसकी? हमारे स्वामी जी आएंगे इस सभी से। अच्छा स्वामी जी बताएंगे, स्वामी जी सो रहे हैं। अच्छा चलिए, विशेष जानकारी आपको स्वामी जी देंगे। और ये क्या मठ है कोई? नरसिंह मंदिर है, यहाँ पे विद्यालय चलता है, विद्यालय। हाँ यहाँ पे बहुत काफी विद्यार्थी रहते हैं। अच्छा संस्कृत का विद्यालय? हाँ संस्कृत विद्यालय। अच्छा तो ये यहाँ से एफिलिएट होगा? हाँ हाँ, बगल में विद्यालय है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था आपको कि माधव सकल काम साधो, तो सबके काम को साधने के लिए माधव की वंदना पूजा अर्चन और नमन किया जाता है। माता सीता ने संगम स्नान के बाद इसी वेणी माधव मंदिर में अपनी वेणी को चढ़ा दिया था और तब से आज तक माधव हमारे वेणी माधव के रूप में हमेशा इनका पूजन वंदन और नमन लोग करते आ रहे हैं। प्रयाग के एक विशेष जो किंवदंती कह लें, वास्तविकता कह लें, या भगवान विष्णु की लीला कह लें, जो इच्छाओं कह लें, ये प्रयाग क्षेत्र माधव क्षेत्र है और यहाँ के प्रथम पुरुष महर्षि भरद्वाज जी रहे। और जब भगवान विष्णु को लीला करना होता है तो वो नारद जी को याद करते हैं। नारद जी को भगवान विष्णु ने बुलाया क्षीर सागर में और उन्हें आदेश दिया कि हे नारद, तुम पातालपुरी जाओ और वहाँ पे गजकर्ण नाम का एक दैत्य है जो प्रजापालक तो है लेकिन दैत्य होने के कारण उसकी वृत्ति पाप कर्म से एकदम लबरेज है, ओतप्रोत है, तो तुम उसको मुक्ति का मार्ग सुझा दो। वहाँ जाके बताओ कि यदि तुम गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी में जाकर संगम में स्नान करोगे तो समस्त पापों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। नारद जी ने वैसे किया, पातालपुरी गए, गजकर्ण जी से मिले और गजकर्ण जी को बताया ये बातें। उनको बहुत अच्छी लगी कि हाँ वाकई में पूरे जीवन भर हमने बहुत पाप कर्म किए, तो चलिए नारद जी कह रहे हैं तो एक बार चल के और देख लेते हैं। गजकर्ण आए त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती को देखा, उनको नमन किया और संगम में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उनका मन बड़ा हल्का हुआ और हल्का होने का आशय यह है कि उन्हें फीलिंग आई कि वाकई में हम पाप से मुक्त हो गए। अब वो दैत्य वृत्ति देखिए और भगवान विष्णु की लीला देखिए। गजकर्ण ने सोचा कि अगर हम पाप से मुक्त हो गए तो राजा होने का क्या फायदा। गंगा यमुना सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए पूरी प्रजा तो पातालपुरी से नहीं आ पाएगी, तो बेहतर है कि गंगा यमुना सरस्वती को हम साथ लिए चलते हैं। और इस कारण से चूंकि प्रतापी बहुत थे और वो पूरा का पूरा तीनों के तीनों नदियों को उन्होंने मुँह से पी लिया और गंगा यमुना सरस्वती उनके पेट में समाहित हो गई और वहाँ से वो गंगा यमुना सरस्वती को पेट में पीने के बाद अपने पातालपुरी को जाने लगे। और जैसे ही उन्होंने पी लिया धरती पर त्राही त्राही मच गई, हे प्रभु बचाओ, जल के बिना तो हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, त्राही माम त्राही माम। अब भगवान विष्णु को आना पड़ा क्योंकि उनकी लीला तो अपरंपार है और लीला ही करना था उन्हें, तो इस वजह से फिर वो सामने आए और गजकर्ण को रोका। हे गजकर्ण, कहाँ जा रहे हो, त्रिवेणी को लेकर कहाँ जा रहे हो? गजकर्ण कह रहा है कि हम प्रभु अपने प्रजा को पापों से मुक्त कराने के लिए पातालपुरी गंगा यमुना सरस्वती को लिए जा रहे हैं और हमारी प्रजा भी पाप से मुक्त होगी। भगवान ने गजकर्ण को जब समझाने के बहुत प्रयास के बाद नहीं माना तो भगवान ने गजकर्ण का उद्धार कर दिया और उद्धार करने के बाद गंगा यमुना सरस्वती को वहाँ से निकाला। निकालने के बाद उनको फिर अपनी जगह पर स्थापित किया। स्थापित करने के बाद ये कहानी बनी कि सभी लोगों ने कहा कि गजकर्ण जैसे लोग हर युग में हर समय में आते रहेंगे,
तो माँ गंगा यमुना सरस्वती का उद्धार और प्रयागवासियों का उद्धार कौन करेगा प्रभु? तो बेहतर है कि आप यहाँ पर माँ गंगा यमुना सरस्वती और पूरे प्रयाग के संरक्षक बन जाइए। विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है, आप लोग इतना अनुनय विनय कर रहे हैं तो हम संरक्षक जरूर बनेंगे, लेकिन हम अपने क्षीर सागर में रहेंगे। हमारी एक दूसरा अवतार जिसको माधव अवतार में हम इस संगम से 5-5 कोस की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर हम 12 के 12 माधव के रूप में स्थापित हो जाएंगे। हमारे आयुध शंख चक्र गदा पद्म साथ में 80 बिंदु मनोहर और हमारे जितने स्वरूप हैं सब माधव के रूप में फल देने वाले होंगे। और ये 12 माधव की परिक्रमा जो करेगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो परम पद को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और यहाँ पर 12 के 12 माधव के रूप में स्थापित हो गए और उनमें प्रधान माधव वेणी माधव हुए। तो बोलिए, वेणी माधव की जय, भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, माधव सबके सकल काम साधो, ओम माधवाय नमः। तो चलिए, वेणी माधव की महिमा का जितना बखान कर सकना था मैंने किया, वेद भी उनके बखान में पारंगत नहीं है, मेरी क्या बिसात है। फिर भी मेरे जो भी क्षुद्र मन में जो भी आया मैंने बताने का पूरा प्रयास किया और आप लोगों ने हमारे इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम माधवाय नमः।